अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्सरसाइज नंबर 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 4 फाइंड द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 100x² -20x +1 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है तो हमें इसके रूट्स मालूम करने हैं। जैसे पहले हमने 3 पार्ट्स में किया है तो इसको हम सबट्रैक्टिंग द मिडिल टर्म से स्टार्ट कर दो सॉल्व करते हैं। और ये इसकी मिडिल टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म, लास्ट टर्म। देखिए जो बीच वाली है इसको मिडिल टर्म कहते हैं। और सीरियल सीरीज में आना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल x^2, x^1 और यहाँ x^0। तो इस तरह इसको मिडिल टर्म कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऐसे लिखेंगे -20x + 100x² + 1 = 0, ये मिडिल टर्म नहीं हो सकती है क्योंकि यहाँ x^1 है और x^2 है। जो x का, जो वेरिएबल का सबसे बड़ा पावर होता है, ग्रेटेस्ट टर्म है, तो वही उसी पहले उसी के सीध से लिखना है। तो इसका जो है ज़्यादा पावर होता है तो फिर पहले यही लिखेंगे x², फिर है x की बारी -20x और +1 की बारी है = 0। तो इस तरह एक ऑर्डर में लिख के इसको मिडिल टर्म समझना होता है। फिर 100x² और -20x इसको तोड़ देते हैं, -10x - 10x + 1 = 0। अब क्या आएगा, 10 और 10 इसे बाहर आएगा, जैसे आपने पहले पार्ट्स में किया है, ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। और x भी बाहर, तो इस तरह ये मिटाते हैं, x भी बाहर। तो यहाँ रहा 10 × 100 × 100 x² माइनस, ये जो 10x है सारा इधर आया है, तो यहाँ रहेगा जैसे पहले आपको बताया गया है, यहाँ 1 रहेगा और फिर यहाँ से माइनस बाहर आएगा -1, क्योंकि यहाँ 10x है, -1 है = 0। और जो 10x और 10x इधर रहा, 10x - 1 है, ये एक साथ आना चाहिए, मतलब जो यहाँ वो यहाँ आना चाहिए। फिर ये 10x - 1 बाहर आएगा, 10x - 1 तो अंदर क्या रहेगा, 10x, फिर ये रहेगा -1 = 0। तो इसका मतलब है ये जो दो हैं, ये वाला और ये वाला, इन दो का प्रोडक्ट है 0। इसका मतलब है इनमें से एक 0 ज़रूर है। तो लेकिन हमें मालूम नहीं है, या ये 0 है या ये 0 है, देयरफॉर आइदर 10x - 1 = 0 और 10x - 1 = 0। तो ये है 10x = 1, x = 1, 1 कहाँ जाएगा, ये 10 कहाँ जाएगा, 10 इसके नीचे आएगा, हाँ याद रखना। और यहाँ भी 10x शाबाश, फिर यहाँ क्या जाएगा, यहाँ ये 1 जाएगा प्लस, वेरी गुड। और x = 1, हाँ ये 10 कहाँ जाएगा, शाबाश, इसके नीचे आएगा। तो देयरफॉर 1/10 और 1/10, हाँ यहाँ भी यही निकला, यहाँ भी नहीं निकला, इसकी आप परेशानी मत लीजिए, जो निकलेगा वही होगा। हाँ 1/10 और द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। वाकई आप सलामत रहो।